हाय गाइस, आज हम जा रहे हैं बकलोसी डलहौजी वाया तनोटी, नैनीखेड, बनीखेत और फिर डलहौजी। तो अच्छे अच्छे जो सीनरीज वगैरह सीन्स वगैरह आएंगे वो आपको दिखाएंगे, आखिर तक बने रहिए। तो अब हम आ गए हैं बकलो से नैनीखेड, नैनीखेड से अभी हम अभी जाएंगे बनीखेत। दोस्तों अभी थोड़ी आंधी चल गई है तो थोड़ी आवाज़ की डिस्टरबेंस होगी, तो उसके लिए सॉरी पहले से। अभी हम नैनीखेड के एक फेमस होटल पे आ गए हैं जो बाहर से देखने में काफ़ी पुराना सा लगता है, लेकिन अंदर जो खाना बनाते हैं वो तो काफ़ी अच्छा बनाते हैं। तो आपके सामने अभी जो ग्रीन कलर की जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है वह है होटल हिलव्यू ढाबा। अगर आप यहाँ पर डलहौजी घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ पे होटल हिलव्यू ढाबा पे एक बार ज़रूर खाना खाएँ। अभी हम बनीखेत के रास्ते पे जा रहे हैं और बनीखेत वाले रास्ते पे ये होटल हिलव्यू ढाबा से 200 मीटर आगे चलने के बाद में एक कट आता है लेफ्ट साइड में जो कि आनंद माता मंदिर के साइड में जाता है। अगर आप आ रहे हैं डलहौजी तो एक बार इसको भी मिस ना करें और यहाँ पे आनंद माता ज़रूर देखते हैं। यहाँ आनंद माता पे एक 300 मीटर का वाटरफॉल भी है, तो आप वाटरफॉल अगर देखने जाएंगे और वहाँ पे नहा जाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो बस अभी यहाँ पहुँचने वाले हैं हम उस रास्ते पे। ये जो रास्ता है जो आनंद माता की साइड जाता है वो है नैनीखेड खैरी रोड। तो अभी जो हमारे सामने लेफ्ट साइड में रास्ता जा रहा है वो है नैनीखेड खैरी रोड। हम अभी हैं बनीखेत से 13 किलोमीटर दूर। पीछे हमारे आप देख सकते हैं यहाँ के खेत जो कि पहाड़ को काट के बनाए गए हैं। नीचे थोड़ी गर्मी थी पर जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे हैं वैसे वैसे मौसम काफ़ी ठंडा होता जा रहा है। यहाँ का मौसम काफ़ी बदल गया है, बारिश का मौसम हो गया है यहाँ पर। अभी हमें चले हुए 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ था हम पहुँचे हैं दुधियारी नाला और यहाँ पर बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है तो हमें यहाँ पर अभी रुकना पड़ गया है। मौसम भी यहाँ पर काफ़ी ठंडा हो गया है, इंसाफ देख सकते हैं यहाँ पे बारिश और ओले थोड़े छोटे साइज़ के भी गिर रहे तो आपको दिखाई नहीं दे पाएंगे और मौसम देखिए काफ़ी सुहाना हो गया है यहाँ पे। गाइस हमें रुके हुए यहाँ पे 1 घंटा हो गया है और बारिश अभी रुक गई है। हम यहाँ से अभी निकलेंगे सीधे और रुकेंगे डलहौजी। यहाँ पे हमें कुछ बच्चे मिले हैं जो हमारे वीडियो देख के हमें बोल रहे हैं कि हमारी वीडियो बनाओ, तो देखते हैं उनसे मिलें। हेलो, देखते हैं, बोलो हाय। तो अभी हम लोग हैं बनीखेत से 6 किलोमीटर दूर और यहाँ से हम दिखाई दे रहा है जो वहाँ पे जो पानी भरा हुआ है वो है चमेरा डैम। यहाँ पे 2 डैम है, एक है चमेरा डैम जो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है, डैम नहीं दिखाई देगा पर वो पानी भरा हुआ एरिया दिखाई देगा आपको, और एक इस साइड में मैं दिखा देता हूँ आपको, एक इस पहाड़ के पीछे जो है वो है बसौली डैम। तो एक दिन हम एक ब्लॉग उसका ही बनाएंगे जब हम ब्लॉग बसौली जाएंगे और काफ़ी खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं यहाँ से आप। नीचे काफ़ी बारिश हो रही थी लेकिन यहाँ पे अभी काफ़ी ठीक है मौसम, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं हुई जितनी हम सोच रहे थे। नीचे काफ़ी सर्दी हो गई थी पर जैसे जैसे बताया गया हमें कि जैसे जैसे हम डलहौजी के ऊपर चढ़ेंगे वैसे वैसे बारिश हो रही है और मौसम भी काफ़ी ठंडा है वहाँ पर। अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं बनीखेत। हम बनीखेत से हैं 2 किलोमीटर दूर और यहाँ से जो लेफ्ट साइड में आपको रास्ता जाता हुआ दिखाई दे रहा है वो जा रहा है चमेरा डैम की ओर। यहाँ पे तो एक दो रेस्टोरेंट हैं जो अच्छे बताए गए हैं, अगर आप कभी चमेरा डैम की साइड घूमने जाएं तो आप इस साइड से लेफ्ट साइड में जा सकते हैं। अभी हम पहुँच गए हैं बनीखेत, यहाँ देख सकते हैं यहाँ चम्मा 46 किलोमीटर दूर है और भरमौर 109 किलोमीटर है। भरमौर में है मनी महेश एक शिव जी का मंदिर है जहाँ से बताया जाता है कि नागमणि दिखाई देती है वहाँ पे सुबह, वहाँ पे सनसेट और सनराइज व्यू काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं। तो अभी दिखाते हैं आपको बनीखेत। काफ़ी भीड़ भी है यहाँ पे। एक बात और, यहाँ पे मैं जब लास्ट टाइम आया था तब यहाँ पे काफ़ी साफ सफाई थी, तो लिटरली जैसे काफ़ी ये लोग आते हैं टूरिस्ट वगैरह आते हैं तो कचरा वचरा यहाँ पे फैलाते हैं तो काफ़ी गंदा हो गया है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि
आप लोग जब आएँ तो यहाँ पे साफ सफाई का ध्यान रखें, ताकि आगे घूमने वाले लोग जो आएँ उनको खराब ना लगे घूमते वक्त इतना गंदगी महसूस ना हो। अगर आप यहाँ पे सोच रहे हैं डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट और ये इस टाइप की कोई बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट्स वगैरह, तो मैं बता दूँ कि यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलेगी। यहाँ पे मोमोज़ की शॉप ज़्यादा मिलेंगी, और अगर आपको पसंद है गोलगप्पे तो मैं बताना चाहूँगा यहाँ गोलगप्पे भी नहीं मिलते हैं। गोलगप्पे आपको मिलेंगे डलहौजी में, पर वो काफ़ी महंगे हैं यहाँ पे। यहाँ पे 60 रुपये या 60 से 100 रुपये तक के 4 पीस मिलते हैं गोलगप्पों के। एक बात और, यहाँ पे ATM काफ़ी दूरी पे हैं और कई बार ATM बंद रहते हैं, तो ये जहाँ पे हम गुजर रहे हैं इसके राइट साइड में मनीखेत में SBI की एक ATM है, तो आप यहाँ से पैसे निकाल लें और आगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कम लोग हैं जो ATM या फ़ोनपे या गूगल पे यूज़ करते हैं। अभी हम पहुँच गए हैं यहाँ से बस स्टैंड मनीखेत के, यहाँ से जो लेफ्ट साइड में रास्ता जा रहा है वो जा रहा है चंबा के लिए, और जो ऊपर जो ये रास्ता राइट साइड में जा रहा है जिसे हम चल रहे हैं अभी, वो जा रहा है डलहौजी के लिए। डलहौजी से आगे काला टॉप, और काला टॉप के पास है बैनकुंड, और उससे अगर थोड़ा पहले अगर हम लेफ्ट साइड में रास्ता ले लेते हैं वो जाता है खजियार, तो एक ट्रिप हम वो भी करेंगे खजियार और काला टॉप और बैनकुंड की। राइट साइड में आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े होटल दिखाए जा रहे हैं, कुछ एक फेमस है यहाँ पे होटल वैली, नेचर्स वैली करके एक रेस्टोरेंट है जो काफ़ी अच्छा है, और वहाँ पे रूम्स वगैरह मिलते हैं। ये अभी खुला है यहाँ पे रिलायंस ट्रेंड्स, यहाँ पे शॉप है ये टंडन की, इसमें काफ़ी लेडीज़ के काफ़ी शॉपिंग करने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ पे जो हमारे राइट साइड में है ये देखिए, ये ग्रैंड लुक वाली जो शॉप है ये काफ़ी बड़ी मार्केट, काफ़ी बड़ी शॉप है यहाँ पे लेडीज़ के लिए, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हर टाइप के कपड़े वगैरह आपको मिल जाएंगे। थोड़ी कॉस्टली जगह है यहाँ पर अच्छे कपड़े मिलते हैं। यहाँ पर साइड में आप देख रहे हैं होटल पाइनवुड, और ये जो आपके राइट साइड में है नेचर सपोर्ट, ये काफ़ी अच्छे जगह है, मैं भी आया हूँ एक बार यहाँ पे, काफ़ी अच्छे डिसेंट रेट है यहाँ पे, खाना भी अच्छा मिलता है इसमें। और एक होटल आपको मैं दिखाना चाहूँगा जो यहाँ पे काफ़ी डिसेंट है, डिसेंट प्राइस में है, यहाँ से आप अप डाउन कर सकते हो डेली डलहौजी के लिए अगर आपको एक दो दिन रुक रहे हैं तो। ये देखिए आपको आई लव नेचर वैली जो लिखा हुआ है, ये होटल नेचर वैली है, इसमें भी आपको डलहौजी में काफ़ी, अगर आपको पीने वीने का कोई शौक़ है तो अल्कोहल वगैरह यहाँ पे आप नहीं मिलती हैं, तो आपको यहाँ पे जो सबसे एक दो रेस्टोरेंट ही हैं जिसमें आपको अल्कोहल वगैरह सर्व करी जाती है, तो वो ये होटल नेचर वैली है जिसमें आपको लिकर मिल सकती है। अभी जैसे जैसे हम डलहौजी की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे काफ़ी गंदगी बढ़ती जा रही है, और रोड काफ़ी पतले होते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी पेड़ हो गए हैं नीचे के मुकाबले, और यहाँ पर काफ़ी ऊँची ऊँची बिल्डिंग्स बनाई गई हैं सिर्फ टूरिस्ट के लिए। यहाँ की जो डलहौजी की सबसे बड़ी बिल्डिंग है वो राइट साइड में आपके बनती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टर्न आ गए हैं, तो जब अगर आप कोई बड़ी गाड़ी लेके आते हैं तो आपको काफ़ी दिक्कत होती है ड्राइविंग करने में, और अगर आप नए हैं हाई हिल्स वगैरह में चलाने के लिए। जब हम पहुँच गए हैं डलहौजी के कैंट एरिया में, कैंट एरिया वो एरिया तक जो पहुँची एरिया होता है, और ये है बलून द्वारा के लेफ्ट साइड में, वहाँ पर जो डलहौजी के मेन पहुँची एरिया है वो उसके अंदर ही है। राइट साइड में आप एक सेंट एंड्रयूज चर्च देख सकते हैं जो कि 1800s का है, ऑलमोस्ट अभी 150 साल हो गई है इस चर्च को बने हुए। अभी दिखाते हैं वापस से आपको एंड्रयूज चर्च, वो देखे हैं एंड्रयूज चर्च। अब यहाँ पे 3 चर्च। तो गाइस अभी फाइनली हम पहुँच गए हैं डलहौजी, तो अभी हम चलेंगे यहाँ से थोड़ा सा ऊपर सुभाष चौक की तरफ, और ये है आप देख रहे हैं यहाँ डलहौजी का बस स्टैंड। यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, तो यहाँ पे अभी पहले जो ट्रैफिक था डाइवर्ट कर दिया गया है, एक वन वे है ये सारा रोड, तो यहाँ से अभी वापस नहीं आ सकते, वापस आने के लिए आपको पूरा 2-3 किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा। गाइस हम पहुंच गए हैं अभी सुभाष चौक, तो अभी आपको दिखाते हैं सुभाष चौक, जो आपने एक फ़ोटोज़ वगैरह देखी होंगी आई लव डलहौजी
तो लोग जो जहाँ पे क्लिक करवाते हैं वो भी यही एरिया है, तो आपको दिखाते हैं अभी चल के। ये देख सकते हैं हम मूर्ति, हम आप काफ़ी बड़े जो है सुभाष चंद्र बोस की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और ये देखिए आई लव डलहौजी, तो जब सब लोग आते हैं तो हमारा भी बनता है एक बार यहाँ फोटो खिंचवाने का। गाइस वी लव डलहौजी। गाइस देखिए हाँ, लेकिन जब तक हम यहाँ पहुँचे हैं तब तक ये हमारा रेनबो काफ़ी जा चुका है। थोड़ा दूर करके दिखाते हैं, तो रेनबो काफ़ी चला गया, अभी थोड़ी धूप आ गई है तो इन्हें आपको काफ़ी दूर दूर तक पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है। बारिश के बाद काफ़ी क्लियर हो गया है तो, और ये आई लव डलहौजी। और एक बार ये देखें यहाँ पे, आपको एक बार दिखा देते हैं कितना क्लियर मौसम हो रखा है यहाँ पे, इतना प्यारा व्यू। सुभाष चौक के जस्ट साइड में है एक चर्च जो काफ़ी पुराना चर्च है। लिटरली काफ़ी सर्दी हो गई है यहाँ पे और अभी फिर से बारिश काफ़ी हो गई है। अब हम जा रहे हैं सेंट फ्रांसिस चर्च, तो चलो अंदर चलते हैं, आपको अंदर से दिखाते हैं कैसा है। ये देख सकते हैं आप शेरू, शेरू काफ़ी खुश हो रहा है हमें देख के। ये चलते हैं हम ऊपर, सामने है हमारे घंटाघर, तो अभी चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं। चुप रहना होता है यहाँ पे इसलिए हम चुप रहेंगे बिल्कुल। यहाँ पे जो पोप वगैरह होता है वो सिर्फ संडेज़ को आता है, तो यहाँ पे और दिन खाली रहते हैं, यहाँ पे सिर्फ आप घूमने के लिए आ सकते हैं यहाँ पे। और ये रखी है इनकी बाइबल, बाइबल में जो लेफ्ट साइड में है आपको ब्रेल लिपि दिखाई दे रही है, जिसमें जो अंधे लोग हैं उनको दिखाने के लिए, और राइट साइड में लिखा हुआ है वहाँ पर, थोड़ा पास करके दिखा देता हूँ मैं आपको ब्रेल लिपि। और राइट साइड में आपको देख सकते हैं इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं यहाँ पर। तो आज पोप नहीं है तो आपको यही दिखा पाएंगे, और पूरा चर्च दिखा देते हैं आपको। इसकी मेंटेनेंस काफ़ी अच्छी हुई है, तो जैसा ये पुराने टाइम पे था वैसा ही है अभी भी। जिस दिन गुड फ्राइडे था उस दिन मैं डलहौजी आया था, तो उस टाइम काफ़ी भीड़ थी तो हमें बैठने का मौका भी नहीं मिला था यहाँ पे। ये है कन्फेशन एरिया, तो ये देखिए इनके पुराने गेट, काफ़ी पुराने गेट हैं यहाँ पे, बड़े बड़े गेट हैं। एक बार आपको दोबारा से व्यू दिखा देते हैं अंदर का, तो ये देखिए अंदर का व्यू एकदम आप ऊपर तक देख सकते हैं वापस से। यहाँ पे रेनबो निकला हुआ है, काफ़ी सुंदर रेनबो निकला हुआ है, तो आपको दिखाते हैं यहाँ पे। ये देखिए पहाड़ों के बीच में रेनबो कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे। और ये हमारे वीके बाबा रेनबो दिखाते हुए, ये देखो रेनबो कितना बड़ा रेनबो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है। सारे कलर्स दिखाई दे रहे हैं बहुत अच्छे से, इतना क्लियर पहाड़ों के बीच, पेड़ों के बीच में से दिखाई नहीं दे पा रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें ग्राउंड पे हमें काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है। चलो जूम करके दिखाते हैं आपको। ये देख बहुत ही ठंडी हवाएं चलने लग गई हैं यहाँ पे, मौसम वैसे बदल रहा था यहाँ पे डलहौजी।
पहुंच गए हैं गांधी चौक। गांधी चौक पे एक बड़ी सी मूर्ति लगी हुई है गांधी जी की, वो देखिए आपके लेफ्ट साइड में चौक पे गांधी जी की बड़ी सी मूर्ति लगी हुई है। अब हमें ढूंढना है यहाँ पे टंडन कैफ़े। बताया गया था यहाँ गांधी चौक पे एक बड़ी सी शॉप है येलो कलर की, और देखते हैं हम यहाँ पे कौन सी है बड़ी सी शॉप येलो कलर की। वहाँ खड़े करते हैं, और ये लेफ्ट साइड में हमारे राइट साइड में हमारे टंडन शॉप येलो कलर की टंडन मोमोज। तो हम यहाँ पे अभी रुके हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि काफ़ी सर्दी हो गई है तो हमें चाय पीनी। गाइस अब हम पहुँच गए टंडन कैफ़े पे, यहाँ पे हमने ऑर्डर करी तंदूरी मोमोज और तंदूरी चाय। तभी दिखाते हैं आपको बनाते हुए तंदूरी चाय। यह है भैया यहाँ के ऑनर। काफ़ी सर्दी हो रखी है तो काफ़ी अच्छी लगने वाली है चाय यहाँ पे हमें। और ये भैया ने बना दिए हैं तंदूरी मोमोज, अभी हम खाने वाले हैं तंदूरी मोमोज। तो गाइस अपने अभी खा लिए हैं मोमोज, और हम माल रोड की तरफ, माल रोड या तिब्बत मार्केट की तरफ। अभी दिखाते हैं आपको आगे अंदर क्या क्या शॉप्स हैं और कैसे कैसे है अंदर। शुरुआत में आप यहाँ देखिए गुलाब जामुन की शॉप्स हैं, चिकन शॉप्स हैं, आलू टिक्की वगैरह बना रहे हैं यहाँ पे। राइट साइड में यहाँ पे एक पुरानी सी बिल्डिंग है कैफ़े डलौजी, यहाँ पे पेस्ट्री केक्स वगैरह मिल रहे हैं कैफे डलौजी साइड में। देखिए आज बारिश हुई है तो काफ़ी सारी शॉप्स लग गई हैं। मोमोज शॉप देख सकते हैं आप, स्वीट कॉर्न शॉप, बारबेक्यू, पिज़्ज़ा काफ़ी अच्छे अच्छे मिलते हैं यहाँ पे। पर मैं काफ़ी बार आ चुका हूँ यहाँ पे, कभी मेरा मन नहीं है यहाँ पिज़्ज़ा खाने का। शॉपिंग करने के लिए लेडीज शॉप, अब हमारे पास साथ कोई लेडीज़ नहीं है तो अब हम यहाँ शॉपिंग नहीं कर रहे। काफ़ी भीड़ है आज यहाँ पे, मौसम अच्छा हो गया था और वैसे लॉन्ग वीकेंड होने वाला है, बच्चों की छुट्टियाँ होने वाली हैं स्कूल्स की, तो लोग यहाँ पे काफ़ी आने लगे हैं, तो काफ़ी भीड़ हो गई है यहाँ पे। ये भैया बना रहे हैं नेम प्लेट्स, देखिए यहाँ से नेम प्लेट खरीदने के लिए वो काफ़ी महंगी होती है यहाँ पे। इनफैक्ट कोई भी टूरिस्ट प्लेस पे आप कुछ ऐसी शॉपिंग ना करें क्योंकि वहाँ पे काफ़ी महंगा मिलता है। उसके कंपैरिजन में थोड़ा ऑफ रोड साइड में कोई अगर शॉप मिलती है तो वहाँ से अगर शॉपिंग करेंगे तो आपको वहाँ काफ़ी सस्ती मिल जाएगी। देखिए ऑर्नामेंट शॉप, ज्वेलरी शॉप, ये देखिए सैंडल शॉप, स्लीपर शॉप, लेफ्ट साइड में गिफ्ट शॉप, काफ़ी बड़ी शॉप है पर काफ़ी अच्छे रेट्स भी लगाते हैं यहाँ पे, बहुत ही महंगी शॉप है ये। वहाँ पे आप देख के खुश हो सकते हैं, जो जो चीज़ें हैं काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी पर काफ़ी महंगी महंगी शॉप्स हैं यहाँ पे। ये देखिए 7D VFX इफेक्ट दिखाते हैं यहाँ पे, तभी लास्ट टाइम भी मैंने किया था। तो यहाँ पे आगे एक शॉप है उसमें हम ये 7D वाला इन्जॉय करेंगे। ये यहाँ पे एक वुडन मार्केट में लास्ट टाइम मैंने एक क्रोकोडाइल खरीदा था और एक दो तीन ट्रे वगैरह खरीदी थी। ये देखिए ट्रेज वगैरह है, काफ़ी भीड़ है तो अभी यहाँ से नहीं करेंगे हम शॉपिंग। और ये है VFX इफेक्ट, तो यहाँ पे देखेंगे हम VFX इफेक्ट का यूज़ करेंगे और इन्जॉय करेंगे यहाँ पे।
डराते हैं तो अभी हम जा रहे हैं वापस, हमने यहाँ पे घूम लिया है तिब्बत मार्केट और माल रोड। गांधी जी के पीछे ये चर्च है जो 1863 में बना था। तो चर्च तो अंदर से लगभग सेम ही होते हैं। अभी आपको लेके चलते हैं चर्च के अंदर। तो इसके अंदर नहीं जाने वाले हैं हम, आपको बाहर से ही दिखाने वाले हैं। तो ये देखिए सेंट जॉन चर्च 1863 का बना हुआ है। काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है लेकिन काफ़ी अच्छी मेंटेन करी हुई है। थोड़ा यहीं से आपको जूम इन करके दिखा देते हैं। वहाँ पे राइट साइड में फादर, लेफ्ट साइड में फादर बैठे हुए हैं। और ये देखिए चर्च ऑलमोस्ट सेम, सारे चर्च सेम से ही होते हैं अंदर से। चलिए वापस चलते हैं। अभी वापस जाएंगे हम नीचे के रास्ते से। नीचे वाला रास्ता इस साइड में है, ये पार्किंग है। यहाँ पार्किंग के काफ़ी इशू है। नीचे एक बड़ी सी पार्किंग है पर ऑलमोस्ट फुल ही मिलेगी आप।